कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना वाई डिफाइन करूं, मैं कर क्यों रहा हूं, क्या कर रहा हूं, नहीं अभी क्या मैं इनके कारण कर रहा हूं, ये ऐसे हैं संदीप सर, मेरे को संदीप सर बनना है, क्यों बनना है, पर्पस आ गया ना, इधर आग लगेगी। सर ने कहां से शुरू किया, आंसर आग होनी चाहिए। आग कैसे आएगी, कारण चाहिए पहले, क्यों कर रहा है भाई। जिन ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन एम्प्लॉइज ने, जिन लीडर्स ने वाई सॉल्व किया है, उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉइज ने, उनकी पूरी कम्युनिटी ने उसका हाउ और व्हाट अपने आप अचीव कर लिया है। ये कैसे करना है, क्या करना है, मुश्किल नहीं है, ये क्यों करना है। आग सीने में चाहिए, पीछे नहीं चाहिए, पीछे लगाएगा तो जल जाएगा, सीने में लगाएगा तो इतिहास रच देगा। डोंट क्रिएट अ प्रोडक्ट, सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट दे हैव, एंड प्रॉब्लम शुड बी अनसॉल्वड। नाउ इसका रूल क्या है, पहला कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम, दूसरा उसे ऐसे सॉल्व करो कि कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व ना करे। जब आपने ये किया तो आपको ऑर्गेनिक मोनोपोली मिलेगी, आपको लोग पैसा एडवांस में देंगे, और फिर आपका जो स्क्रिप्ट होगा सेल्स का वो उनकी उस अनसॉल्वड प्रॉब्लम के अराउंड होगा। देखो कस्टमर सिग्नल देता है और अच्छा ब्रांड उसका प्रोडक्ट बना देता है, आपको बातचीत के दौरान कस्टमर ने सिग्नल दिए होंगे, मैसेज नहीं दे रहा, वो जर्नी में घुसो और ढूंढो और उसको कैप्चर करो और फिर वहां से आप प्रोडक्ट बनाओगे। इसके सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, आप कहते जाएंगे मैं देते जाऊंगा, देते पूरा आप हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो ये रोज का काम है। रोज अब तक मैं सैकड़ों हजारों बिजनेस देख चुका हूं जिनको मैं लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाया, पर हम पहली चीज यही है कि आप ये देखो कि अनसॉल्व प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बर्निंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, ज्वलंत समस्या होनी चाहिए और वहां से आप इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसमें ये ढूंढिए और सारी पोजिशनिंग वहीं से होगी आपकी। इसको बोलते हैं रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। कस्टमर क्यों स्विच करके आएगा आपके पास में, उसके पास पांच रीजन क्या है, क्या वो पांच कारण आपके पास आएगा, उनको आइडेंटिफाई करो तो आपका प्रोडक्ट भी वहीं फोकस्ड होगा और आपकी स्टोरी भी वहीं फोकस्ड होगी। धन्यवाद।